हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन से सिम्टम्स हमारी बॉडी शो करती है जब हमारे शरीर में ब्लड कम होता है, जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है, उस दौरान हमारी बॉडी क्या क्या सिम्टम्स शो करती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि खून मतलब ब्लड का क्या रोल रहता है हमारे शरीर के अंदर। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को, जितने भी हमें खाने से मिलते हैं, जो कुछ भी हम खा रहे हैं उससे जो भी हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं, साथ में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टूवर्ड्स लंग्स एंड टिश्यूज। जब भी हमें चोट लगती है, ब्लड बाहर आता है, तो ब्लड क्या करता है, क्लॉट कर देता है हमारे खून को, वहाँ पर क्लॉटिंग क्रिएट कर देता है ताकि हमारे शरीर से जितना हो सके उतना ब्लड बाहर ना निकले, उसे रोक सके। साथ में ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज और सेल्स होते हैं जो लड़ते हैं इन्फेक्शन से। जितना भी वेस्टेज होता है हमारे शरीर के अंदर, वो सारा का सारा ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड करता है। उसके बाद हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करता है, उसमें से जितना भी वेस्टेज होता है वो वेस्टेज हम पी आउट के थ्रू बाहर कर देते हैं, जो जुराइन करके बाहर निकाल देते हैं और ब्लड वहाँ पे फिल्टर हो जाता है। तो ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे शरीर के अंदर, इसलिए आपको अपने शरीर से खून की कमी नहीं होने देना। जितना हमें ब्लड चाहिए उतना चाहिए ही चाहिए। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि इस वक्त हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी है, क्या क्या बॉडी हमारे सिम्टम शो करती है। नंबर वन, फटीक। बॉडी हमारी फटीक फील करती है। फटीक हो गया मतलब लो एनर्जी, हमारे शरीर में एनर्जी बहुत कम हो जाती है, हम कुछ भी नहीं कर पाते, हम फील लो करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ करने की सोचते हैं बट एनर्जी लो होने के कारण हम नहीं कर पाते हैं। तो ये एक पहला सिम्टम है। अगर आपको ऐसे सिम्टम शो होते हैं, इसका मतलब आपके शरीर में ब्लड की कमी है, तो आपको क्या करना है, सीधा डॉक्टर के पास भागना नहीं है चेकअप कराने के लिए। अगर आपको सिर्फ एक सिम्टम शो होता है तो आपको क्या करना है, ऐड करने हैं ब्लड क्रिएट फूड, जिनसे खून बनता है वो आपको फूड और साथ में वेजिटेबल्स अपने डाइट के अंदर ऐड करना है और आपको एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट अच्छा दिख जाएगा। जो आपकी बॉडी फटीक होती है वो नहीं होगी, आपको बेहतर फील करोगे। नंबर टू, वीकनेस। वीकनेस मतलब हमारे शरीर में हमारे मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। अब फटीक और वीकनेस मिलते जुलते शब्द है बट उन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। उसमें एनर्जी लो होती है, इसमें हमारे मसल्स में स्ट्रेंथ कम हो जाती है, हम कुछ भी नहीं उठा सकते, इवन कि हम अपनी बॉडी को भी नहीं हिला सकते हैं प्रॉपर तरीके से। हिलाने में हमें परेशानी होती है, अपने आप को भी ट्रांसपोर्ट एक दूसरे जगह लेने में भी परेशानी होती है, तो मसल्स में स्ट्रेंथ की कमी हो जाती है, उसे हम वीकनेस कहते हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है तो मतलब आपके शरीर के अंदर ब्लड की कमी है इस वक्त। नंबर थ्री, येलो स्किन। अगर आपका स्किन का कलर कंटिन्यूसली कई हफ्तों से आपका स्किन शो हो रही है येलो कलर, आपके शरीर में अंदर ब्लड की कमी है, इसी कारण से आपका स्किन का कलर, जो स्किन टोन है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो गई है, तो ये भी वो सिम्टम है, शो करता है कि आपके शरीर में इस वक्त ब्लड कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। नंबर फोर हो गया, इरेगुलर हार्ट बीट। अब अगर आपके शरीर में रेगुलर फ्लो ब्लड कर रहा है, जितना आपके चाहिए बैलेंस्ड फ्लो हो रहा है, तो आपकी हार्ट बीट भी बैलेंस रहेगी, क्योंकि हार्ट क्या काम करता है, पंप करता है ब्लड को, ठीक है। अगर आपका ब्लड रेगुलर आ रहा है तो उसकी हार्ट बीट भी रेगुलर रहेगी, बट अगर आपके शरीर में खून कम है, ब्लड कम है, तो आपकी हार्ट बीट भी इरेगुलर हो जाएगी। ज़्यादा जब आएगा तो हार्ट बीट तेज रहेगी, अगर कम आएगा तो हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, तो उस तरह से हमारी हार्ट बीट भी इरेगुलर हो जाती है। अगर आपकी हार्ट बीट इरेगुलर है तो मतलब आपके शरीर में ब्लड की कमी है, इसी कारण से आपकी हार्ट बीट इरेगुलर है। नंबर फाइव है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। अब आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स की ओर। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो आपको ब्रीथिंग में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। अगर ऐसा सिम्टम शो होता है तो मतलब आपके शरीर में इस समय ब्लड की कमी है, इसी कारण से आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चीज़ से आप पता लगा सकते हो कि इस समय मेरे में खून की कमी है, तो मैं ऐड करता हूँ अच्छे फ्रूट्स जिनसे खून बनता है, तो ये प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। नंबर सिक्स, डिजीनेस। बहुत सारे चक्कर आने लगते हैं। जब हमें चक्कर से आ रहे हैं तो भी एक कारण हो सकता है कि आपके शरीर में ब्लड की कमी है, इसलिए आपका शरीर डिजीनेस है, आपको चक्कर आते रहते हैं, गिरने लगती है बॉडी, तो मतलब खून की कमी है इसलिए आपको चक्कर आते हैं। नंबर सेवन, चेस्ट पेन। एक्सरसाइज वाली चेस्ट पेन अलग होती है। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको अगर चेस्ट पेन हो रही है, मतलब आपकी बॉडी में ब्लड की कमी है, इसलिए चेस्ट पेन हो रही है। ये भी एक ऐसा सिम्टम है जो हमें
शो करता है कि इस वक्त हमारे शरीर में ब्लड कम है, इसलिए हमें कंटिन्यूसली चेस्ट पेन होती जाती है। नंबर 8, कोल्ड फीट एंड हैंड्स। आपके हाथ और पांव कंटिन्यूस ठंडे पड़ रहे हैं, आज से नहीं कंटिन्यूस एक हफ्ते से आपके हाथ और पांव ठंडे हैं, वो गर्म नहीं हो रहे हैं, तो मतलब आपके शरीर में खून की कमी है, इसलिए आपके हाथ और पैर ठंडे पड़ते हैं। ये भी एक सिम्टम है जो शो करता है कि इस समय आपकी बॉडी के अंदर जितना खून होना चाहिए उतना नहीं है, उससे कम है, ये भी एक सिम्टम है। नंबर 9, हेडेक। कंटिन्यूसली कई टाइम्स हेडेक हो रही है, तो मतलब आपके शरीर के अंदर ब्लड की कमी है। तो गाइस, ये जो वो सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए, इनके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि इस समय आपके शरीर में जितना ब्लड होना चाहिए उतना नहीं है, उससे कम ही है, तो जाके ये आपको सिम्टम दिख रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी आपको सिम्टम दिखता है तो आपको क्या करना है, अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फूड और वेजिटेबल ऐड करनी है जिनसे हमारा खून बनता है, तो ये जो सिम्टम दिख रहे हैं वे बंद होना चालू हो जाएंगे। अगर ये जो 8 से 9 सिम्टम्स है एक साथ ही शो हो रहे हैं आपके शरीर के अंदर, तो उस समय आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा का सीधा डॉक्टर के पास चले जाना और अपने टेस्ट कराना है। तब आपको जो रिपोर्ट आती है उसमें दिखता है कि आपके बॉडी में कितने ग्राम खून है और कितना कम है। सो अगर आप फूड्स ऐड भी कर रहे हो, फ्रूट ऐड भी कर रहे हो, तो भी जाके आपकी बॉडी में ब्लड नहीं क्रिएट हो रहा है, तो आपको उस समय एक्स्ट्रा ब्लड चढ़वाना पड़ता है, आपकी बॉडी में डलवाना पड़ता है, ताकि एक बूस्ट मिले और उसके बाद बॉडी फिर से ब्लड क्रिएट करना शुरू हो जाए। सो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी है। अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपनी लाइफ को प्राइमरी, अपनी फिटनेस रखिए, सेकेंडरी बाकी काम रखिए। जब तक आप फिट नहीं हैं तब तक ये बाकी काम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दीजिए, 1 घंटा अपने एक्सरसाइज कीजिए और प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राइमरी फिटनेस, सेकेंडरी अदर वर्क्स। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ऐसे कौन से सिम्टम हैं जिससे हमें पता चलता है कि इस समय हमारे शरीर में खून कम है, हमें ध्यान देना चाहिए, हमें अच्छी डाइट रखनी पड़ेगी, तो जाके हमारे शरीर में ब्लड और क्रिएट होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।